चलो एक नए सफर पे चलते हैं, हिंदुस्तान की रगों में दौड़ती दो पटरियों पे रेलगाड़ी के सफर पे। ये हुआ 23 साल। समोसे बताओ यार, फ्रेश हैं कि नहीं? सब सच बताओ। जहाँ हर 100 किलोमीटर पे बदलते लोग, बदलती जुबान, बदलती तहजीबें, तो बदलता दस्तरखान, लेकिन लाल डिब्बों की इन खिड़कियों से दिखता सबको एक ही हिंदुस्तान। अब ये जो पूरा रूट है वो अभी बिहार का ही चलेगा, पूरा फुल हो जाता है, पूरा पैक है। मैं जा रहा हूँ कोलकाता, और उसी ट्रेन में बदलते जायकों की 25 घंटे की इस दावत में हम पूर्वा एक्सप्रेस से दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड को चखते हुए पहुंचेंगे वेस्ट बंगाल में, अपनी मंजिल हिंदुस्तान की कल्चरल कैपिटल और पहली राजधानी कोलकाता। শীতল মাছের মুইঠা, গরম ভাতে দুইটা, ফেইলা বাঙালি খায় চীনা জাপানি লুইটা পুইটা। दिल्ली की ठंड शुरू हो चुकी थी, जिसकी ढलती दोपहर में मैं पहुंच गया न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। 12 सितंबर 1837 में शुरू हुई ये इंडियन रेलवेज 186 सालों में भाप से लेकर बिजली का सफर करते हुए 70,000 किलोमीटर की पटरियों से पूरे भारत को जोड़ आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसपे लगभग 2.5 करोड़ मुसाफिर रोज सफर करते हैं। और इसी रेल नेटवर्क के रोजाना के 10 लाख यात्रियों वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन ही है हमारी मंजिल हावड़ा जंक्शन। और हमारी ये जर्नी जो है इस ट्रेन से है, जिसका नाम है पूर्वा एक्सप्रेस। ये ट्रेन जा रही है दिल्ली से हावड़ा जंक्शन। सामान कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी रेलवे की लाल सेना के एक सिपाही ने मुखातिब होते हुए कहा, 100 रुपए लेंगे दो सामान। ये लाइन काफी लंबी है, आपको दूसरे रास्ते से लेके चलता हूँ। इशारा मिलते ही सामान आगे, और मैं इस लाल चटक कमीज, ढीले सफेद लहराते पैजामे के नीचे मटमैले जूतों के पीछे पीछे दाखिल हुआ रेलवे स्टेशन की नई दुनिया में। नई दिल्ली स्टेशन का दो साइड है, एक पहाड़गंज, एक अजमेरी गेट। हमने एंटर किया अजमेरी गेट की तरफ से। सालों से वजन ढोने के बावजूद स्कूली की मुस्कुराहट अब भी जवान थी। सुनहरा बिल्ला बाजू से जकड़ा हुआ था, और 100 रुपए की कीमत का ये सफर 16 नंबर प्लेटफॉर्म से हजारों मुसाफिरों के बीच से गुजरते हुए, कभी पैदल, कभी सीढ़ियों से, कभी लड़खड़ाते वजन की बेड़ियों से, हटो बचो के शोर में हम आ ठहरे प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे। लेकिन पूर्वा एक्सप्रेस के आने में अभी भी वक्त था। कुली की मुस्कुराहट ज्यों की त्यों थी। मेहनताना देते हुए मैंने बस ऐसे ही सवाल किया, क्या नाम है आपका? मेरा इम्तियाज नाम है। इम्तियाज नाम है। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ कितने टाइम से आपको? ये हुआ 23 साल। 23 साल से? 100 रुपए का रेट में आया था मैं। ये जो आपका ये पापा का उनकी डेट हो गई। 63 सालों में दो नस्लों को पाला था इस बिल्ला नंबर 394 ने। ये पीतल सोने से कम नहीं था। इम्तियाज भाई की कहानी से मैं कुछ देर के लिए सन्नाटे में चला गया, सहम सा गया, और उनके चेहरे की मुस्कुराहट ने मेरी सहूलतों को बेआबरू कर दिया। मेहनताना लेकर पलक झपकते ही वो भीड़ में गुम हो गए, और मेरी बेचैनी पानी तलाशने लगी। नजरें घुमाई तो सामने ही एक स्टॉल था। दुकान के नजदीक पहुंचा तो यहाँ फल बिक रहे थे, सेब से लेकर पपीता, अनार, अमरूद और केला, जिसकी एक सरकारी रेट लिस्ट सामने ही चिपकी थी। लेमन दे दो। ट्रेन तो यार आने में अभी है टाइम, लग रही है प्यास, जब तक जो है मैनिया के जूस से काम चलाते हैं। लेमन। ट्रेन के आने में अब भी वक्त था। प्लेटफॉर्म पे ही कुछ खाने को तलाशते हुए मुसाफिरों से घिरी एक दुकान दिखी, जहाँ चाय की मशीन दूर से ही झांक रही थी। यहाँ चिप्स, बिस्किट, नमकीन और पानी भी बिक रहा था। और भाई क्या नाम है आपका? शिवम। 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 और भाई आपका नाम क्या है? धर्मवीर। दो सैंडविच दे दो और दो ये बर्गर पैक कर दो। समोसे बताओ यार, फ्रेश हैं कि नहीं? सच बताओ ईमानदारी से। चलो दो समोसे पैक कर दो। मैंने सफर के लिए समोसे और सैंडविच पैक करवाए, और चाय के साथ एक सैंडविच खाने के लिए मांगा, और साथ में चाय।
चाय की चुस्की ली तो इलायची का मजा आया, लेकिन सैंडविच में ब्रेड ही ब्रेड महसूस हुई। अंदर की फीलिंग गुमशुदा थी। यहाँ रेट लिस्ट पे तो लगाम थी, लेकिन जायके में बहुत तंगी। ट्रेन के आने का सिग्नल मिलते ही भीड़ बटोर कर तैयार हो चुकी थी। सूरज उतार पे था और शाम नारंगी सी हो रही थी, और हमारी ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस रेंगती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 12 से चिपक के जैसे ही लगी, भीड़ ट्रेन के अंदर एक साथ घुसी। हमने टिकट किया है सेकंड एसी का, और सेकंड एसी की जर्नी मुझे कॉस्ट कर रही है लगभग 3,000 रुपए। लगभग 23 घंटे की जर्नी है दिल्ली से। मैं तो यार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 15 से 16 हमें बिल्कुल आगे जाना है। थोड़ी भीड़ छटी तो मैं सेकंड एसी के कोच में दाखिल हुआ, जहां मेरे उल्टे हाथ पे दो बेड नुमा सीटें थी तो दाहिने हाथ पे 4। ट्रेन मुनासिब साफ थी और मैं मरून पर्दों के गलियारे से होते हुए अपनी सीट पे पहुंचा तो इस केबिन में सिर्फ 2 सीटें थी। ये मिल गई हमारी सीट, हाफ कूप है इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें हैं। कांच की खिड़की के नीचे एक ट्रेन नुमा टेबल थी, लेदर की 2 कत्थई सीटें थी, इसके सिरहाने लाइट और चार्जिंग पॉइंट था, और बेडिंग यहाँ लगा दी गई है और ब्लैंकेट दी जाती है 2। अगल बगल के मुसाफिरों की हलचल अब थम चुकी थी, ट्रेन ने भी रफ्तार पकड़ ली थी। इतने में आसमानी वर्दी में ये चचा ताजी चाय लेकर के आए। चाय कितने की है? 10 रुपए। अच्छा चलिए 2 चाय पिला दीजिएगा। मैंने फौरन एक कड़क कप मांगा, और ये देसी चाय है मेरी इस ट्रेन के सफर का पहला जायका। ठीक है, दूध कम पानी ज्यादा, मिठास बिल्कुल बराबर, जैसी ट्रेन की चाय होती है बिल्कुल वैसे ही है। थोड़ी देर में नेवी कोड में टीटी साहब यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर टिकट चेक करके गुजरे तो मैंने चाय दोहरा दी, क्योंकि समोसे अभी भी रखे थे। खुशबूदार मसालों में यह समोसा ठंडा भी मजेदार था। मेरी ट्रेन की यादों के खजाने में पनीर पकौड़ा बहुत खास है। क्या क्या लाना, क्या लेकर गए? ये चाउमीन है, पनीर पकौड़े है, ब्रेड आमलेट है। अच्छा, यही बनाया आपने सब? जी सर। पकौड़े कितने का है? 50। और चाउमीन? इत्तेफाक से ये 2 पैंट्री के स्टाफ गर्मा गर्म पकौड़े बस फौरन ही लेकर आए थे। बेसन की मोटी परत में लिपटा पनीर अब दुबला हो चुका था। अब वो बचपन वाला जायका तो नहीं आया, लेकिन यादें जरूर ताजा हो गईं। ट्रेन का सफर जब कई स्टेशन से गुजरा तो ट्रेन उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुकी थी। शाम गुजरी, उजाला गुजरा, और यादों के खजाने का एक और जायका बगल से गुजरने को ही था। चाय, कॉफी, टमाटर सूप, कि मैंने उसे ट्रेन वाला टमाटर का सूप समझ के रोक लिया, लेकिन ये रेडीमिक्स वाला सूप निकला। भाई साहब ने पाउडर वाले टमाटर सूप पे स्टील के ड्रम से गर्म पानी डाला और बड़ी नजाकत से पेपर के कप में चम्मच घुमाता रहा। सूप गाढ़ा हो गया तो उसने मेरे हाथ में थमा दिया। स्कूल टाइम में जब भी मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था तो उन दिनों ट्रेन में सूप सर्व होता था, बना बनाया, आज रेडीमिक्स आ गया है, तो वो मेमोरी बचपन की मैं करता हूँ रिफ्रेश भाई। ठंड में सूप ने मजा तो दिया, लेकिन वो बात नहीं आई। खाना वेज, नॉन वेज। रात हो चुकी थी और डिनर की आवाज गूंजते हुए मेरे नजदीक आ गई। वेज में सर आपको एक सब्जी मिलेगा, मिक्स वेज। हाँ। दाल फ्राई, राइस, रोटी, एक मिठाई, 80 रुपए पर प्लेट है। और नॉन वेज में क्या है? अंडा करी है, चिकन करी। हल्की मुस्कान और नर्म चेहरे वाला ये स्टाफ सीनियर मालूम हो रहा था। इसने बड़े अदब से डिनर का ऑर्डर लिया। ऑप्शन में वेज थाली थी और चिकन थाली, मैंने दोनों मंगा ली। लाल ट्रे में 4 फॉइल के डब्बों पे कागज का ढक्कन था। गरम पैकेटों से मैंने खाना बेपर्दा किया। दही, वेरी गुड। ये मुझे लग रहा है चावल है, चावल भी ताजे ताजे हैं। अरहर की गाढ़ी दाल थी और थे मसालेदार लटपटे मिक्स वेज के साथ 4 ताजे फुलके। वाह भाई वाह, साथ में ये रही दही। चिकन का भाई कलर देखो, ओए होए 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 होए, आहा क्या जबरदस्त खुशबू आ रही भाई। दूसरी थाली में झांका तो सब कुछ दोहराया हुआ था, सिवाय इस चिकन करी के, और इस लाल रोगन वाले शोरबे से क्या जबरदस्त खुशबू उठ रही थी। टू गुड भाई। खाना समेटती नींद ने दस्तक देनी शुरू कर दी। मैंने कुर्सी नुमा बैठक को नीचे गिराकर बेड बनाया, और खाकी पैकेट से निकली 2 सफेद चादरों में से एक को इस मरून बेड के बगलों में दबाया।
सिरहाने रखी दुबली सी तकिया और गहरे नीले कंबल के नीचे दूसरी चादर की परत लगाकर रेलगाड़ी की थपकियों में मैं नींद की आगोश में बेखबर हो गया। हावड़ा को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। ट्रेन में नींद की खामोशी थी, शोर था तो बस इस सफर का। खिड़कियों से लुपलुपाती हुई रोशनी आती और रात के अंधेरे में गुम हो जाती। चाय की सदा से मेरी आंख थोड़ी जल्दी खुल गई। सुबह के 7 बज चुके थे। मैंने सोचा सबसे पहले ब्रश कर लेता हूँ वरना बेसिन पे भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ मैं मंजन से मिंटी फ्रेश हुआ कि ट्रेन एक स्टेशन पे आके थम गई। दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो ओस में मिली हुई ठंड की खुशबू सी आई और नजरों के सामने लिखा चाय दे दो भाई। ठंड ने सुबह की पहली चाय की तलब और बढ़ा दी। चाय पीकर मैं सीधा निकल पड़ा पैंट्री कार की तरफ, जहां सुबह का नाश्ता तेजी से तैयार हो रहा था। 3-4 कोच आगे हैं पैंट्री। अपने कोच से निकलते हुए अगले कोच में पहुंचा तो सबसे पहले एसी फर्स्ट आया, जिसमें 2 सीटों वाला प्राइवेट केबिन था। यहां से आगे बढ़ा तो 3rd एसी वाले कई कोच लगातार आए। यहां भीड़ थोड़ी ज्यादा थी और दाहिनी तरफ 6 सीटें थी। जगह थोड़ी तंग थी और ट्रेन के इन गलियारों में अभी सुबह होना बाकी थी। इस्तकबाल करते हुए चेहरों के बीच मैं इस ट्रेन के बावर्ची खाने में पहुंचा तो बीचों बीच एक काउंटर नुमा प्लेटफॉर्म पे एल्युमिनियम के बड़े बड़े भगोने लाइन से चढ़े थे, जिसकी भट्टियां बिजली की कॉइल की थीं। फ्रिज से लेकर चिमनी यहां सब था। मॉर्निंग, क्या हाल चाल? ये चाय बन रही है? चाय मुझे लगता है दिन भर बनती रहती है। नाश्ते के लिए वेज कटलेट तैयार थे और हेड बावर्ची ऑमलेट लगातार उतार रहा था और ये कारीगर बाल्टी नुमा इस बर्तन में दूध की स्पेशल चाय को इत्मीनान से काट रहा था। बगल में खड़े टीटी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए आपको जनता के स्लीपर क्लास का हाल दिखाता हूँ। मैंने सोचा उसमें ऐसी क्या खास बात है। पूरे स्लीपर में 8 कोच है। पूरा सर लाभ कुछ हम लोग कर सकते हैं। हम चलते आगे आ आइए सर, आइए हम निकल रहे हैं, आप आइए, नहीं तो आप नहीं निकल पाएंगे। चले भाई, थोड़ा थोड़ा जगह देगा भाई। और जो देखा वो सोचा नहीं था। पैंट्री कार से स्लीपर का मुंह भीड़ से बंद था। जबरन जगह बनाते हुए एक स्टाफ मुझे अंदर लेके गया तो बैठने की छोड़िए खड़े होने की जगह भी नहीं थी। जब ये स्लीपर का हाल है तो फिर जनरल का क्या हाल है? एसी पूरा फुल हो जाता है, एसी पूरा पैक है। जनता का ये हाल देख मैं उदास सा हो गया। वही स्टाफ धक्का मुक्की करते हुए वापस लाया, बिहार की पब्लिक को नमन भाई, इतनी मेहनत से आप लोग ट्रैवल करते हो भाई। तो चाय भी तैयार हो चुकी थी और यादव जी ने मुस्कुराते हुए मेरे लिए एक कप चाय फौरन परोसी। चाय खत्म होते ही मुझे अपनी सीट पे लौटने को कहा गया क्योंकि मेरा नाश्ता भी तैयार था। भूख अब जोरों की लगी थी, इसलिए मैंने इस गर्मा गर्म वेज कटलेट को सफेद ब्रेड की 2 फांकों से बेपर्दा किया। मसाले और मसले हुए उबले आलुओं पर रवे की परत लगाकर इसे अंडे की शक्ल में तला गया था। मैंने ब्रेड की सफेदी को मक्खन से ढका और एक कटलेट ऊपर रख केचप की एक परत चढ़ाकर एक तह में दबिश देते हुए सैंडविच बनाकर इसका पहला जायका लिया। मजा आ गया। अच्छा, ये भी है साथ में एक केचप, इसमें भी 2 स्लाइस ब्रेड और ये रहा भाई गर्मा गर्म ऑमलेट। ऑमलेट भी ठीक वैसे ही
दो ब्रेडों के नीचे छुपा हुआ था और मैंने जब इसका रसीला जायका लिया तो हरी मिर्च ने अलग से मजा दिया। नाश्ता खत्म होते ही अगला स्टेशन आ गया। ट्रेन खाली होने लगी। पूछने पर पता चला हम बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुके थे और ये ट्रेन यहाँ 10 मिनट रुकेगी। मेरी भूख अब भी बाकी थी। मैंने प्लेटफॉर्म पे नजरें घुमाई तो सामने ही एक दुकान दिखी। कदम खुद ब खुद बढ़ गए। यूजुअली जितने भी ऐसे काउंटर्स हैं वहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो रेलवे की तरफ से वो आता है, जिसका बहुत ही बेसिक प्राइस होता है, नॉर्मल प्राइस होता है। कचौड़ी है, पैटीज है। ये क्या भैया, कचौड़ी है क्या? पैटीज फ्रेश आई हैं। दो पैटीज दे दीजिए। पराठा सब्जी भी अभी आया है। कितने के रुपए की प्लेट है? 50। चलो एक दे दीजिए। यहाँ पर ये मिल रहा है भाई खीरा। कैसे दे रहे हैं पपीता? 20 रुपये प्लेट सर। और खीरा? 10 का 1। 10 का 1 बना के दे तो दे दो एक। चाकू के इशारे से ही खीरे की खाल उतर गई और भाई ने बड़े हुनर से चाकू से खीरे को भेद कर 4 पाके खोली और मसाला बीच में बुरक कर मेरे हवाले किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हबस शायद खुराक से ज्यादा थी, इसलिए बड़े बड़े इन अमरूदों पर भी नजर पड़ ही गई। नजदीक पहुंचा तो ट्रेन ने सीटी बजा दी। शायद नसीब में ही नहीं थे, फौरन भाग के ट्रेन वापस पकड़ी। मैंने सबसे पहले खीरा खाया तो उसमें नमक जज्ब हो चुका था। मजेदार था ये। मसाला बढ़िया है। कितना नंबर है ये? दो नीचे वाली हमारी है। अब बैठ सकते हो। नाश्ते का पैकेट खोला तो उसमें 2 सादे पराठे और 1 अचार था। फॉइल की पन्नी से सब्जी मैंने उसी में पलट दी। जबरदस्त खुशबू उठी और लटपटे आलू और सोयाबीन की सब्जी दिखी। गुनगुने पराठे का मैंने एक निवाला बनाया और सब्जी के साथ उसका जायका लिया। वाह वाह वाह, मजा आ गया। चलो रस्मन ही सही, मैंने पटना का जायका तो चखा। मुसाफिर बदला, मौसम बदला और नाश्ते ने भी पेट में जगह बना ली। तो कॉफी वाले की आवाज सुनते ही पैटीज का ख्याल भी आ गया। नीली बाल्टी और स्टील के गर्म पानी वाली टंकी पैंट्री के स्टाफ ने फर्श पे टिकाई और एक कैपेचिनो का पैकेट खोलकर एक कागज के कप में पलट दिया। ऊपर से डाला खौलता हुआ पानी और चम्मच से घोट के 25 रुपए की कॉफी तैयार कर दी। मैंने पैटी को बड़े एहतियात से काटा। अंदर कुछ है भी नहीं पैटी में, क्योंकि फूली हुई ज्यादा थी। कुछ नहीं है इसमें, पर आलू का नामो निशान नहीं था। पैटी खाली है। धोखा हो गया। अंदर से खोखली ये पैटी मानो पफ ही थी। शुगर है, कॉफी अच्छी थी। अगला स्टेशन बाढ़ था। इस जगह का नाम मैंने पहली बार सुना था। ये भी बिहार का एक स्टेशन है। 2 मिनट रुकेगी यहाँ ट्रेन बस। हाँ भाई बिहार अच्छा है। और बिहार के इसी स्टेशन से बिना टिकट एक खास बिहारी जायका भी ट्रेन में चढ़ा। इसे मूंग चना चाट कहते हैं। रोज रोज घूमते हो? अरे कोई बात नहीं, बताओ तो शाम तक खत्म हो जाता है। रोज का काम है। और घर कहाँ है आपका? बख्तियारपुर से जाते हो। खुले बटन कत्थई गमछा और कत्थे के धब्बों से झांकती मुस्कान वाले इस भाई ने बांस की टोकरी एक पैर पे टिकाई, जिसमें एक तरफ अंकुरित मूंग थी तो दूसरी तरफ मुलायम चनों से सफेद अकवे झांक रहे थे। आंखों में टमाटर, नींबू और कुतरी हुई मूली भी थी। भाई ने हाथों के अंदाजे से मूंग और चने के ऊपर डाली मूली और धुएंधार हरी मिर्च और नींबू निचोड़कर नमक के साथ उछालते हुए 10 रुपए की ये प्लेट मुझे थमा दी। ट्रेन में बिकता हुआ ऐसा जायका मैंने पहली बार चखा था। स्प्राउट्स ज्यादा खाए जाते हैं इस इलाके में, मैंने देखा है, स्पेशली जो बिहार साइड है। जो इस इलाके के लिए आम था वो मेरे लिए खास था। जबरदस्त चटपटा भाई। मौसम पे बारिश ने दबिश बनाई तो दोपहर शाम सी हो गई और अगले स्टेशन के साथ हम दाखिल हो गए झारखंड, द लैंड ऑफ फॉरेस्ट। खाने कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा भाई। पता लगा कि ट्रेन मूव कर गई और मैं बाहर ही रह गया। चल गई ट्रेन भाई। कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था लेकिन सब कुछ दूर था। जसीडी के इस स्टेशन पे भी ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकी और वक्त से ही रेंगने लगी।
मायूस होकर सीट पे लौटा ही था कि एक और जायका बिना टिकट फेरी लगा रहा था। आवाज आई, नमकीन ले लो नमकीन। बादाम है, मूंग का दाल है, हरा मटर है, चना है। ये वाली दो अभी काली वाली। क्या क्या बेच रहे हैं? सब 10 रुपए जो लीजिएगा 10। ये फेरी वाला वो रंग बिरंगी गोलियां बेच रहा था जो जादू से गुजरे हुए कल यानी बचपन में ले जाती हैं। मैंने एक मसालेदार दाल ली और एक काली खट्टी टॉफी का पैकेट लेते ही एक गोली जैसे ही जुबान पे रखी पूरा बचपन आंखों के आगे नाचने लगा। मसालेदार दाल भी चटपटी थी और मजेदार थी। दो बज चुके थे और बारिश की वजह से ट्रेन 2 घंटे की देरी से चल रही थी। मुझे ट्रेन में अब 20 घंटे हो चुके थे और इस अगले मशहूर स्टेशन जामताड़ा के आते ही हम दाखिल हो चुके थे बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के सरहद से जुड़े राज्य वेस्ट बंगाल में। बंगाल नाम सुनते ही जो पहला जायका मेरे जहन में आया वो था झालमुड़ी। मेरा सोचना था कि एक नौजवान फेरी वाला टीन का लाल डब्बा गर्दन में टांगे हुए सामने आ गया। इस चलती फिरती दुकान में चना, पापड़ी, प्याज और मुरमुरे ऊपर ही सजे थे। इस नौजवान ने बड़ी रफ्तार से एक एल्युमिनियम के डब्बे में 2 मुट्ठी मुरमुरे डाले, चने को प्याज से छूते हुए उठाया और ऊपर से सूखा मसाला डाल साथ में डाला अचार और सरसों के तेल का गीला मसाला और उसी पत्ती नुमा चम्मच से डब्बे को फेंट कर उसने कागज का एक कोन बनाकर झालमुड़ी पलट दी और चने और प्याज से सजा कर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। ये बात ऊपर से गया चना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैंने इसका पहला जायका लिया तो मेरे होश उड़ गए। कोलकाता के आने से पहले ही उसके जायकों ने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। मैं कोलकाता से मिलने के लिए बेचैन था और हमारा ये सफर तेजी से अपनी उसी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। रेलगाड़ी की दुनिया में कुछ हो ना हो, मुसाफिर वक्त का धनी जरूर होता है। कुरकुरे का भाई चरचरे। वही वक्त काटने के लिए मैंने चिप्स और ये चरचरे भी लिए और धीरे धीरे उसे भी चर गया। शाम होते ही पैंट्री के बावर्चियों ने नाश्ते में परोसा आलू बोंडा। मसालेदार आलुओं पे बेसन की परत चढ़ाकर तले गए इस आलू बोंडा का भी मैंने जायका लिया तो ये बस ठीक सा था। कुल्हड़ वाली चाय बिकने आई तो मैं समझ गया अब कोलकाता ज्यादा दूर नहीं है। चाय में इलायची और अदरक का जायका एक साथ आया। कुछ दूध में इस इलाके में महक थोड़ी अलग सी है। हाँ, लेकिन चाय अब थोड़ी पत्ती बदली है बंगाल में आकर के। ये कुल्हड़ वाली चाय अच्छी है। बदलती जुबान से बदलते इंसान देखे, लहजा बदला, लिबास बदला, जायके के इस सफर पे सब बदला, पर हर मुसाफिर का मजहब फिर भी हिंदुस्तान निकला। शाम रात में तब्दील हो चुकी थी, ठंड बढ़ चुकी थी और ट्रेन अपनी मंजिल चूमने को तैयार थी और हम पहुंच चुके थे वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के हावड़ा जंक्शन। मैंने प्लेटफॉर्म पे जैसे ही कदम रखा एक बड़े शहर की महक सी आई। बहुत बड़ा शहर है भाई, बहुत बड़ा शहर है कोलकाता यार। लोग बदल गए, जुबान बदल गई और मैं इस अनजान सी दुनिया में बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा। भीड़ के पीछे पीछे इस शहर की आबो हवा को महसूस करते हुए मैं आगे बढ़ा तो एक अनजान से चेहरे ने कंधे पे हाथ रखा। चेहरा देख मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। हेलो भाई, अपना दोस्त है, स्कूल का दोस्त है मेरा, ये बचपन का यार। तुझे सो स्मॉल है, इतना बड़ा हो गया है। ये साहब है मेरे स्कूल के बचपन के दोस्त डॉक्टर इरफान, जिससे मैं स्कूल के 15 साल बाद आज पहली बार मिल रहा हूँ। मेरी फिक्र अब सुकून में बदल गई और मैं इन बिना सीढ़ियों वाले प्लेटफॉर्म्स पे भीड़ को फलांगते हुए अपने दोस्त के पीछे पीछे गाड़ी तक पहुंच गया। सालों के किस्से, छोटा सा सफर, डॉक्टर साहब ने मुझे अपने शहर से रूबरू करवाते हुए आखिर मेरे होटल तक पहुंचा दिया। हेलो, हाय शुभ्रो, और कल आपको अपने साथ लेके चलूंगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता के जायके के पहले सफर पे, जहाँ कुछ नए दोस्त बनेंगे तो मिलेंगे कुछ अनजान जायकों से, सड़कों पे फिरेंगे और जिएंगे अपने हिस्से की जिंदगी का एक और दिन
एक नए शहर में और तहजीबों के शहर कोलकाता में आपका खैर मकदम है। वाह वाह वाह। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ बॉस बजाज, इस कहानी का सूत्रधार।